आदमी जिंदाबाद, आम आदमी जिंदाबाद। मंच पर आसीन पूर्वांचल के अध्यक्ष भाई संजीव सिंह जी, आज के कार्यक्रम के आयोजक शाह आलम साहब, आजमगढ़ के हमारे अध्यक्ष राजेश यादव जी, महिला शक्ति के अध्यक्ष पूर्वांचल की नीलम यादव जी, शिमला श्री जी, इमरान भाई पंजाब से आए हुए हमारे साथी, और यहां काफी समय से इंतजार कर रहे दोस्तों और साथियों, कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे। अगर भीड़ में खो गई आदमियत तो उसे ढूंढने में जमाने लगेंगे। आदमियत का कत्ल किया जा रहा, इंसानियत का कत्ल किया जा रहा। एक ऐसी सरकार देश के अंदर बैठी है जो बुनकरों की बदहाली पर बात नहीं करती, जो बुनकरों की भुखमरी पर, उनके हालात पर बात नहीं करती, जो बच्चों की पढ़ाई पर बात नहीं करती, जो 60 बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं उस सवाल पर कहती है बच्चे तो मरते रहते हैं। अरे मैं पूछना चाहता हूं योगी जी, जरा मंत्रियों और विधायकों के बच्चों को बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर दिखाओ, उनके बच्चे अगर मरते रहेंगे तब तुम्हारे मुंह से ये अल्फाज निकले तब मैं मानूंगा कि तुम ऐसे कह सकते हो बच्चे मरते रहे। शर्म करो। इसलिए नकली सवालों पर आपसे एक के बाद दूसरे चुनाव में वोट ले लिया जाता है, कभी गाय के नाम पे, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी एंटी रोमियो के नाम पे, कभी तीन तलाक के नाम पे, कभी गोबर के नाम पे, कभी बकरी के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे। अरे मैं कहना चाहता हूं हमारे रोजी रोटी के नाम पर तब इस देश के अंदर चुनाव होगा, और जिस दिन रोजी रोटी के नाम पर चुनाव होगा, पानी के नाम पर होगा, बिजली के नाम पर होगा, शिक्षा के नाम पर होगा, स्वास्थ्य के नाम पर होगा, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां राजनीति के कूड़ेदान में पहुंच जाएंगी, इनको कोई पूछने वाला नहीं होगा। और नकली सवालों पर राजनीति करते हो। मुझसे एक पत्रकार ने पूछा, संजय सिंह जी आप तीन तलाक पर नहीं बोलते? मैंने कहा मैं बोलूंगा लेकिन आप छाप नहीं पाओगे। बोले नहीं, जरा बोल के दिखाओ। मैंने कहा तीन तलाक बोलकर अगर औरत को छोड़ना गलत है तो तीन तलाक बोले बगैर भी अपनी औरत को छोड़ना उतना ही गलत है। उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करोगे जिसने तीन तलाक बोले बगैर अपनी औरत को छोड़ रखा है, जिसका नाम नरेंद्र मोदी है, जो देश का प्रधानमंत्री है, उसके खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ। हम जानते हैं उस पर तुम्हारी आवाज बंद हो जाती। अमित शाह का लड़का कई हजार गुना मुनाफा करता है। मैंने पूछा इतना मुनाफा कैसे हो गया? बोले धनिया बेच के हो गया, धनिया बेच के। मैंने कहा हमारे बुनकर भाई, हमारे सब्जी वाले, हमारे किसान, वो तो अपना खून पसीना बहाते, उनको उनके फसल का दाम नहीं मिलता तो सड़क पर नष्ट करने के लिए मजबूर हैं। वो सड़क पर दूध फेंकते हैं, सब्जियां फेंकते हैं, और अमित शाह का बेटा हजारों गुना मुनाफा कमाता है। ये सरकार बेईमानों और भ्रष्टाचारियों की सरकार देश के अंदर चल रही है। नरेंद्र मोदी की सरकार पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए काम करने वाली सरकार है। ये बुनकरों के लिए और आम आदमी के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। आम आदमी के लिए काम करने वाली सरकार नहीं है। कभी पाकिस्तान लेके आ जाते, कहते हैं हम पाकिस्तान से 10 सर काट के लाएंगे। 4 साल से देश वाले इंतजार कर रहे थे, हमारे इमरान भाई भी कह रहे थे कि 10 सर काट के नहीं आया पाकिस्तान से। मैंने कहा देखा नहीं, नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काट के तो आए मोदी जी, और क्या चाहिए तुमको, और क्या चाहिए। वहां नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटते, यहां भाषण देते 10 सर काट के लाएंगे। बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े जुमले,
अभी कबीर की समाधि पर गए योगी जी, तो उन्होंने सम्मान की टोपी पहनने से मना कर दिया। मुझे तरस आती है कि योगी आदित्यनाथ अपने नाम के आगे योगी लगाते हैं। इनको पता नहीं है संत कबीर क्या थे, जिन्होंने कहा पोथी पर जग मुआ पंडित भया न कोई, और ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। तुम इस देश में नफरत फैलाने की बात करते हो। तुम्हारा एक विधायक कहता है ताजमहल तोड़ डालो इसलिए कि उसको मुगलों ने बनाया। मैंने कहा भाजपाइयों कुतुब मीनार भी तोड़ डालो उसको भी मुगलों ने बनाया, पार्लियामेंट भी तोड़ डालो उसको भी अंग्रेजों ने बनाया, राष्ट्रपति भवन भी तोड़ डालो उसको भी अंग्रेजों ने बनाया, जीटी रोड भी तोड़ डालो उसको भी मुगलों ने बनाया, और तुम्हारे चचा नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को जहां से भाषण देते हैं वो लाल किला भी मुगलों ने बनाया उसको भी तोड़ डालो। अरे तोड़ने से नहीं, हिंदुस्तान जोड़ने से आगे बढ़ेगा, जोड़ने से। वो कहते हैं मारो काटो लोगों को बर्बाद करो, और हम कहते हैं बेघर बेदर लोगों को आबाद करो। तुम लिंचिंग करा रहे, गाय के नाम पर इंसान का कत्ल करा रहे, किस हिंदू धर्म में लिखा है जरा हमको बताओ? अरे जो लोग इंसान की कद्र नहीं कर सकते वो गाय को गौ माता की कद्र नहीं कर सकते, याद रखना। पहले इंसान की कद्र करना सीखो। और किस हिंदू धर्म की बात करते हो? हिंदू धर्म हमने भी पढ़ा, राम को हमने भी पढ़ा, कृष्ण जो पूरी दुनिया में प्रेम का संदेश देते हैं, राम जो सेवरी का जूठा बेर खाते हैं, राम जो निषाद राज के घर में रुकते हैं, राम जिन्होंने भालू और बानर की सेना बनाकर लंकापति रावण को तबाह करने का, नष्ट करने का, उसका वध करने का काम किया, उस राम के नाम पर तुम लोगों को बांटने का काम करते हो। हिंदू धर्म जो कहता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, जो हिंदू धर्म पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है वो मुसलमान को भी अपना परिवार मानता है, सिख को भी अपना परिवार मानता है, ईसाई को भी अपना परिवार मानता है, जैन को भी अपना परिवार मानता है, बौद्ध को भी अपना परिवार मानता है। वो हिंदू धर्म किसी के खिलाफ नफरत की शिक्षा नहीं दे सकता। जो लोग नफरत की बात करते हैं वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, वो हिंदू धर्म को नहीं मानते। अभी चुनाव आया तो पीडीपी से समर्थन वापस ले लिया, बोले हम देशभक्त हो गए। मैंने कहा 3.5 साल तक पीडीपी जो अफजल गुरु की जिंदाबाद लगाती है, अफजल गुरु को शहीद मानती है, उसके साथ सरकार बनाई तुमने, तब तुमको याद नहीं आई देशभक्ति की? चुनाव आया तो देशभक्त बन गए हो। इसलिए इन लोगों से सावधान रहना, ये नकली लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, ये झूठा प्रचार करके आपका जेब काटने का काम करते हैं। कभी नोटबंदी लेके आ जाते हैं, कभी जीएसटी लेके आ जाते हैं, कभी कोई कानून, कभी कोई कानून। नारा लगाया बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार 87 रुपए लीटर पेट्रोल कर दिया, 77 रुपए लीटर डीजल कर दिया, सब्जी महंगी तुम्हारे राज में, अनाज महंगा तुम्हारे राज में, चीनी महंगी तुम्हारे राज में, अरे पूरे देश को महंगाई के मार में ढकेलने का काम नरेंद्र मोदी जी आपने किया। आपसे अब नहीं हो पाएगा, 19 में बोरिया बिस्तर बांध के उत्तर प्रदेश से हम लोग आपको गुजरात भेजने का काम करेंगे, गुजरात भेजने का। ये उत्तर प्रदेश की धरती है, ये पूर्वांचल की धरती है जो तानाशाही के खिलाफ मजबूती से लड़ती है, ये वो धरती है जहां से लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने बलिया से आवाज लगाई, चंद्रशेखर जी ने आवाज लगाई तो पूरे हिंदुस्तान का युवा उनके साथ निकला और जेलों को भरने का काम किया, लाठियां खाई, गोलियां खाई, लेकिन इंदिरा गांधी के आपातकाल को इस देश से खत्म करने का काम किया। और मुझे याद है राज नारायण जी देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, रायबरेली से चुनाव लड़ रहे थे, उनके पास पैसे नहीं थे, कुर्ता फैला के कहते थे प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ रहा हूं पैसे दे दो, किसी ने 1 रुपए, किसी ने 2 रुपए, किसी ने 5 रुपए दिया, नोट भी दिया, चुनाव में वोट भी दिया,
65,000 वोटों से देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को राजनारायण जी ने हराने का काम किया। इसलिए ये पूर्वांचल की धरती वो धरती है। मोदी जी, आपको बनारस से जिताकर भेजा है तो बनारस से हराकर गुजरात भी भेजने का काम उत्तर प्रदेश के और बनारस के लोग करेंगे। याद रखना इस बात को। इसलिए ऐसा वक्त है जब आम आदमी को इकट्ठा होने की जरूरत है। पूरे देश के अंदर आज चंद परिवारों का देश की राजनीति के ऊपर कब्जा है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक चंद परिवारों ने देश की राजनीति पे कब्जा कर लिया है। चले जाइए कश्मीर, शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, एक ही परिवार की पार्टी, मुफ्ती मोहम्मद सईद, महबूबा मुफ्ती, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए पंजाब, प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर, विक्रम मजीठिया, आदेश प्रताप सिंह, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए हरियाणा, चौधरी देवीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, अभय चौटाला, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, एक ही परिवार की पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए महाराष्ट्र, बाल ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, एक ही परिवार की पार्टी। शरद पवार, सुप्रिया सुले, अजीत पवार, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उत्तर प्रदेश, चौधरी चरण सिंह, चौधरी अजीत सिंह, जयंत चौधरी, एक ही परिवार की पार्टी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव, शिवपाल यादव, धर्मेंद्र यादव, पिंपल यादव, प्रतीक यादव, आदित्य यादव, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए बिहार, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेजस यादव, मीसा यादव, तेजस्वी यादव, एक ही परिवार की पार्टी। रामविलास पासवान, पारस पासवान, चिराग पासवान, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए झारखंड, हेमंत सुरेन, सिद्धू सुरेन, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए उड़ीसा, बीजू पटनायक, नवीन पटनायक, एक ही परिवार की पार्टी। चले जाइए तमिलनाडु, करुणानिधि, गनी मोई, स्टालिन, अलागिरी, एक ही परिवार की पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, नीरज सिंह, कल्याण सिंह, राजवेश सिंह, रमन सिंह, अभिषेक सिंह, प्रेम कुमार धूमिल, अनुराग ठाकुर, एक ही परिवार की पार्टी। और इस देश की अब तक की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी, चाचा नेहरू, बिटिया इंदिरा, बिटवा राजीव, बिटवा संजय, बहू सोनिया, बिटवा राहुल, बिटिया प्रियंका, दामाद बाड्रा, एक ही परिवार की पार्टी। पार्टी कहां है जरा हमको बताओ। पार्टी है, ये पार्टियां नहीं चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां चल रही है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां। हमसे कहते हैं पंजे को वोट दे दो, कमल को वोट दे दो, साइकिल को वोट दे दो, लालटेन को वोट दे दो। नहीं, हमारा सारा का सारा वोट इन परिवारों के खाते में जा रहा है। याद रखना, हिंदुस्तान की एकमात्र पार्टी है आम आदमी पार्टी, जो कहती है एक परिवार से दो आदमी सांसद, विधायक, मंत्री नहीं हो सकता। देश की कोई दूसरी पार्टी नहीं है। आम आदमी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने दिल्ली के अंदर हालात को बदला, बिजली आधे दाम पर किया, पानी मुफ्त किया, जवानों की शहादत पर 1 करोड़ का सम्मान राशि दिया, 50,000 रुपए हेक्टेयर मुआवजा दिया, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर किया। बहुत सारे काम हमने आम आदमी के हक में किए, क्योंकि हम मानते हैं कि आज जो मुल्क के हालात हैं साथियों, दर्द के एहसास को सैर और सुखन तक ले चलो, और या अदब को मुफलिसों के अंजुमन तक ले चलो, और जो गजल मासूक के जलवों से वाकिफ हो चुकी उसको अब बेवा के माथे के सिकन तक ले चलो। आज हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर को बदलने की जरूरत है, इस देश के गरीब आदमी के दर्द को समझने की जरूरत है। लेकिन दिल्ली के अंदर हमारी सरकार को चलने नहीं देते। मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई का छापा, उप मुख्यमंत्री के खिलाफ सीबीआई का छापा, शिक्षा मंत्री के खिलाफ सीबीआई का छापा, स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ सीबीआई का छापा, स्वास्थ्य मंत्री की बेटी के खिलाफ सीबीआई का छापा, 20-20 विधायकों के खिलाफ मुकदमे और उनको जेल में डाला। चलो ये किया किया समझ में आता है, हमारे एक विधायक है सोमनाथ भारती, उसके कुत्ते को पकड़ने के लिए 40 पुलिस के जवान गए थे, दिल्ली पुलिस के 40 पुलिस वाले। ये मोदी की सरकार हमको काम नहीं करने देना चाहती, क्योंकि हम गरीब के हक में काम करना चाहते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश के अंदर एक नई राजनीति को लेकर आना चाहते हैं।
तुम केजरीवाल के घर पे सीबीआई का छापा डलवा रहे हो। मैं कह रहा हूं मोदी जी 1000 सीबीआई के छापे केजरीवाल पे डलवा लो, 2-4 मफलर ज्यादा मिल जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं। तुमने बेईमानों की फौज खड़ी रखी है इस देश के अंदर। इस देश में कोई 9000-10000 का कर्जा किसान ले लेता है, उसका कालर पकड़ के उसको जेल में डाल देते हो। विजय माल्या 9000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गया, नीरव मोदी 30000 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गया, ललित मोदी 2500 करोड़ लेके हिंदुस्तान से भाग गया, 1,25,000 करोड़ का कर्जा रिलायंस ग्रुप के ऊपर है, 1,03,000 करोड़ का कर्जा वेदांता ग्रुप के ऊपर है, 1,01,000 करोड़ का कर्जा एसआर ग्रुप के ऊपर है, 96,000 करोड़ का कर्जा अडानी ग्रुप के ऊपर है, 75,000 करोड़ का कर्जा जेपी ग्रुप के ऊपर है, 58,000 करोड़ का कर्जा लैंको ग्रुप के ऊपर है, 45,000 करोड़ का कर्जा वीडियोकॉन ग्रुप के ऊपर है, 8,55,000 करोड़ का कर्जा चंद बेईमानों के पास है। हिंदुस्तान के गरीब आदमी को, बुनकर को अगर राहत देनी है तो कहते हो पैसे नहीं है, गरीब को अगर रोजगार देना है तो कहते हो पैसे नहीं है, नौजवान को अगर रोजगार देना है तो कहते हो पैसे नहीं है, किसानों का अगर कर्जा माफ करना है तो कहते हो पैसे नहीं है। अरे मोदी जी हमको बुलाओ, हम भी फावड़ा लेके आएंगे, इन बेईमानों के घरों पर कब्जा करके इनसे हमारा पैसा वसूल करो 8,55,000 और हमारे कर्जे माफ करो, हमको राहत देने का काम करो। तुम इस देश को लूटने के लिए आए हो, भ्रष्टाचार करने के लिए आए हो, कोई भी जुमला रोज छोड़ देते हो, हर दिन एक नया जुमला। मैंने तो पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हमारे मोदी जी में कोई खासियत हो ना हो, अगर अंतरराष्ट्रीय भाषण प्रतियोगिता करा दी जाए तो नंबर एक पर नरेंद्र मोदी आएंगे, 2 नंबर पे नहीं आएंगे। मैं कह सकता हूं दिन रात भाषण देते रहते हैं, दिन रात खाली सोते समय चुप रहते हैं बेचारे, सिर्फ सोते समय खामोश रहते हैं, दिन रात भाषण देना है, लोगों को मूर्ख बनाने का काम करना है, हर समय धर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक कहा संजीव सिंह ने, उत्तर प्रदेश में तो हालत यह हो गई, सड़क भगवा रंग की, खंबा भगवा रंग, तौलिया भगवा, सोफा भगवा, पलंग भगवा, कालीन भगवा, पगड़ी भगवा, गमछा भगवा। अभी मैं देख रहा था सीतापुर में योगी गए थे किसी कार्यक्रम में, लैट्रीन का जो टाइल्स लगाया वो भी भगवा कर दिया। मैंने कहा हिंदू धर्म की ऐसे तो तबाही मत करो, ऐसे तो मजाक मत उड़ाओ हिंदू धर्म का, लेकिन ये बेईमान लोग हैं। इसलिए आपसे अपील करने के लिए आया हूं, इन तमाम सवालों को लेकर, शिक्षा मित्र के सवाल, आंगनबाड़ी के सवाल, बुनकरों की बदहाली का सवाल, गंगा की सफाई का सवाल, इन सारे सवालों को लेकर हम लोग निकले हैं इस पद यात्रा के माध्यम से। और सबसे ज्यादा जो इस देश के अमन को, चैन को, शांति को जो खतरा पैदा हो गया है, हमारे भाईचारे को जो नजर लग गई है, ये नफरत के सौदागर जो आ गए हैं, इनके खिलाफ भी ये यात्रा निकली है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि वो मुल्क है जहां बिस्मिल्ला खान की सेनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है, ये वो मुल्क है जहां रसखान को पढ़कर हम भगवान कृष्ण को जानते हैं, ये वो मुल्क है जहां मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत लिखते हैं, ये वो मुल्क है जहां मोहम्मद रफी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे नाम तेरा नाम एक साचा दूजा न कोई, ये वो हिंदुस्तान है, गंगा जमुनी तहजीब का हिंदुस्तान, भाईचारे का हिंदुस्तान, एकता का हिंदुस्तान, मेल मिलाप का हिंदुस्तान, एक साथ चलने का हिंदुस्तान। तो 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है, ये किसी पाप किसी के पाप की जागीर नहीं है। इसलिए हमसे रोज देशभक्ति का सवाल तुम मत करो, तुम कितने बड़े देशभक्त हो मुझे मालूम है। 1929 में लाहौर के अधिवेशन में तिरंगे झंडे का विरोध करने वाले आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग थे साथी, कंधार में मसूद अजहर को छोड़ने वाले लोग, ये लोग जिनका राष्ट्रीय अध्यक्ष रक्षा सौदे में दलाली खाते हुए पकड़ा गया, गंगारू लक्ष्मण, ऐसे लोग जो बगैर बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटने चले जाते हैं, ऐसे लोग जो शहीदों की जांच पठानकोट में आईएसआई से बुलवा कर कराते हैं, ऐसे लोग
जो पीडीपी जो अफजल गुरु को शहीद मानती है उसके साथ सरकार बनाने में भी कोई परहेज नहीं करते, ऐसे लोग जिनकी मातृ संस्था आरएसएस 52 साल तक तिरंगा झंडा नहीं फहराती, ऐसे लोग जो जिन्ना की मजार पर जाकर सजदा करने का काम करते हैं, वो हमसे और आपसे देशभक्ति का प्रमाण पत्र मांगते हैं। हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान देशभक्त था, देश ये देश हमारा आपका है नहीं किसी के बाप का, ये देश हमारा आपका है नहीं किसी के बाप का है, ये देश हमारा आपका है नहीं किसी के बाप का है, ये देश हमारा आपका है नहीं किसी के बाप का है। आइए इस यात्रा में हमारे साथ जुड़िए, हम सब लोग मिलकर हिंदुस्तान के अंदर एक बड़ा बदलाव करेंगे। और अंत में इन्हीं लाइनों के साथ कि अमन बिक रहा है, चमन बिक रहा है, गरीबों के तन का कफन बिक रहा है, बाजारों में राधा का तन बिक रहा है, यारो बुरा न मानो तो कह दूं, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है, इन बेईमानों के हाथों वतन बिक रहा है। इस वतन को बचाने के लिए हम सबको एक साथ आना पड़ेगा, हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। हम हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं, ये नफरत की नफरत का एक ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं जहां भाई से भाई को लड़ाना चाहते हैं, हम ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहते। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी भारी संख्या में यहाँ पर आए। अजान में कितना टाइम, केजरीवाल केजरीवाल अजान में टाइम अभी 10 मिनट। एक गीत के लिए साथी कह रहे हैं, ये बहुत ही क्रांतिकारी गीत है। और जहां तक घोसी के विकास का सवाल है, मैंने तो सुना था कल्पनाथ राय जी के बाद यहां पर कभी किसी ने कोई विकास नहीं किया घोसी के अंदर। गड्ढों में सड़कें हैं, सड़कों में गड्ढा नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं, ये हालत हो गई। तो ये गीत आप लोग साथ में गुनगुनाएंगे, रुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इनकलाब है जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिकों मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे समानता को लाएंगे। रुके न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इंकलाब है जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, जाति के धर्म के भाषा और वेश के, बंद तो मिटाएंगे समानता को लाएंगे। रुके न जो झुके न जो दबे न जो मिटे न जो, हम वो इंकलाब है जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो इंकलाब, आम आदमी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया।